सो गाइस इस बार मैं आपके लिए और भी एक स्पेशल चीज लेके आया हूँ, वो है हम लोगों के कार के विंडशील्ड टूट जाते हैं आगे पीछे के, और ज्यादातर आगे के जो होते हैं लैमिनेटेड वाले, उसमें प्रॉब्लम ये आती है फिर पूरा विंडशील्ड चेंज करवाओ और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो उसके लिए बेस्ट चीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये किट। इससे आप अपना विंडशील्ड रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अब तक पता नहीं होगा, पता भी होगा तो पता नहीं होगा कहाँ से खरीदना है और कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। और ये चीज सच में यूजफुल है नहीं है इसलिए मैंने इसको मंगवाया है। सो मेरी एक कार में क्रैक आ रखा है लंबा सा, उसको हम इससे रिपेयर करके देखेंगे। पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं इसके अंदर क्या है और उसको कैसे कैसे सब कुछ यूज करना है, ठीक है। सो ये सब चीजें हैं, बहुत यूनिक चीज है, इसको हम देखते हैं आप लोगों के काम आएगा। मोस्टली छोटे छोटे क्रैक्स लग जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कार में, और स्टोन्स वगैरह लगने से गोल सा हो जाता है, टूटा हुआ होता है, वो सबको ये पूरा भर देती है किट, ठीक है। सो वीडियो को पूरा देखना एंड प्लीज शेयर कर दिया करो, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत होता है। सो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। ये वो किट है, ठीक है, विंडशील्ड रिपेयर किट, 20 मिनट्स रिपेयर, नो स्पेशल टूल्स रिक्वायर्ड, सारे टूल्स इसके अंदर ही हैं। एंड ये मुझे पड़ी है 900 रुपीस की अमेजोन से, और इसमें लिखा है ये सारे क्रैक्स जो होते हैं स्टार ब्रेक और कॉम्बिनेशन जो पूरा क्रैक जाता है लंबा सा और क्रैक होते हैं, और 30 इंचेस तक के क्रैक्स, सॉरी हाँ 30 सेंटीमीटर तक के क्रैक, यानी कि 12 इंचेस तक के क्रैक ये फिक्स कर देता है। तो इसको पहले तो हम अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें ये है 1 ग्राम इन्होंने लिक्विड दिया है और शीशे पे चिपकाने वाला सामान है। चलो इसको अनबॉक्स कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। बार बार ग्लास चेंज करवाओ, कभी ग्लास थोड़ा टूट जाए, कहीं से टूट जाए, फिर लोग बोलते हैं टूटा हुआ ग्लास रखना भी अच्छा नहीं होता। सो ये किट मंगवा के देखते हैं क्या है। बाहर US वगैरह में तो बहुत लोगों ने इसको यूज़ करा है, एक इसमें मैनुअल है, ठीक है। अब ये सब तो शाइनी है, अच्छा मैनुअल के अंदर भी कुछ है, मैनुअल के अंदर ये है बहुत सारे। ये आई थिंक इसको जब आप केमिकल लगा देते हो तो उसको फिर ऊपर से लगाना होता है, इसको केमिकल के ऊपर जब आप केमिकल प्लेस करते हो, ये हो गया। और ये है ब्लेड, पता नहीं क्या क्या है अभी, ये एक और स्ट्रिप्स, ऐसा लग रहा है केमिकल लैब का कुछ काम कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन ब्रैकेट है और इसमें ये ऐसे करके लगता है, इसको हम ग्लास के लाइक दोनों तरफ लगा देते हैं ग्लास को बराबर करने के लिए, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है, ओके। इसमें एक होल है, इसको बिल्कुल ग्लास के जो क्रैक होता है उसके ऊपर डालना है, लाइक जहाँ पे हमें ये गिरानी है ये चीज़, ठीक है। इसको फिर ऐसे करके इससे डालना है और फिर उसको देखते हैं करके, वो तो जाना चाहिए। चलो